कद्दर चले गए। बोलते मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। सब अहले इश्क अहले मुकद्दर चले गए, सब अहले इश्क अहले मुकद्दर चले गए। बड़ी मोहब्बतों के साथ पठान मोहल्ला में पढ़ता हूँ। अभी तो हम कहते हैं कि ये जमीन क्या है, आसमां बोले उनकी तारीफ दो जहां बोले, और सर कटा देंगे उनकी अजमत पे। पठान मोहल्ला के हर एक नौजवान, बोले चार मिसरे तेजी के साथ आपकी दुआओं को लेते हुए कि सब अहले इश्क अहले मुकद्दर चले गए, शहरे नबी के देखने मंजर चले गए। अरे मक्का में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अरे मक्का मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। नारे अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। मैं बड़ी तेजी के साथ चाहता हूँ कि जिस तरह एक इंसान अपने कर्ब को अपने इस्तराब को दूर करने के लिए इस लहजे का सहारा लेते हैं, इस वक्त वो लहजा जनाबे गुलाम अहमद रजा के पैकर पे है। मैं चाहता हूँ कि बड़ी तेजी के साथ उनका इस्तकबाल हो जाए, लेकिन उससे पहले कर्बला वाले आका हुसैन की मोहब्बत में एक शेर और पढ़ता हूँ। जरा एक बार पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ कह दे या हुसैन, और जरा लहक करके बोले या हुसैन। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अख्तर रजा ज़ियाई साहब कबला कुछ ही देर पे मिंबरे नूर पे तशरीफ लाएंगे कि ज़ालिम तेरी निगाह समंदर की चाहता हूँ कि ज़ालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। तभी तो हम कहते कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा ज़ेर होते हो सबर होते तो क्या होता, और हमारे मजहब इस्लाम पे उंगली उठाते हो ज़ालिमों, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। सुने मोहब्बतों के साथ समंदर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो अस्कर की तरफ है, और लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद, लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है, 72 की तरफ है। बिना ताखीर इनका इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत फैजाने नेमते मिल्लत। नारे तकबीर नारे रिसालत